गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हर हर महादेव। जी हाँ, आज मैं आई हूँ अंबरनाथ के बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर में। चलिए आपको भी दर्शन करवा लेती हूँ। ये जो थे लड़के आरकेटी कॉलेज, उल्लासनगर के आरकेटी कॉलेज के थे, जो साइकिल से यहाँ पर आए थे और पर्यावरण का संदेश लेकर आए थे। तो प्लीज़ अब भी पर्यावरण को बचाइए। दर्शन तो हो गए लेकिन अब भूख बड़ी ज़ोरों की लग रही है, तो चलिए चलते हैं कुछ खाने के लिए। वैसे मैंने अंबरनाथ में ना एक नानी दी रसोई करके बहुत अच्छा नाम सुना हुआ है, तो चलिए देखते हैं। जब माँ के हाथ का खाना हमें इतना पसंद आता है तो नानी दी रसोई, जिसका नाम ही इतना प्यारा है, वहाँ खाना कैसे मिलता है, चलिए देखते हैं। सो पहुंच चुकी हूँ अब मैं नानी दी रसोई में। जैसे कि आप नाम ही देख रहे हो, नानी दी रसोई, तो मतलब आप खुद सोचिए कि हमें यहाँ क्या मिलेगा। क्योंकि कहते हैं जैसे कि माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद अगर नानी के हाथ का खाना आ जाए तब तो क्या कहने। तो चलिए देखते हैं यहाँ हमें क्या क्या मिलता है। हम सब लोग ना बड़ी शिकायत करते हैं कि भाई माँ इतना सारा घी लगा देती है, बटर लगा देती है। तो भाई ये नानी है, इतना बटर तो लगेगा ही लगेगा। डाइट की छोड़िए और एंजॉय करते हैं बटर वाला आलू का पराठा विद दही। No words to say. मुझे ऐसा लग रहा है ना, सच में मैं अपनी मम्मी नानी इन लोग को हाथ का खाना खा रही हूँ, जैसे बहुत अच्छा है। Truly yummy. बोलने के लिए हम आलू का पराठा घर पे भी खाते हैं, चाहे हम कितना भी बटर लगा लें, मगर जो माँ और नानी के हाथ का स्वाद होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। मैं सब पराठा पहले खा लूँगी तो फिर बाकी खाना आपको कैसे बता पाऊँगी। तो चलिए पहले बाकी का खाना ट्राई करते हैं, उसके बाद हम लोग पराठा खाते हैं, पकवान खाते हैं। वैसे आपको बता दूँ, दाल पकवान सिंधियों की फेमस डिश है, स्पेशलिटी है। देखते दाल पकवान कैसे है। मैं पकवान की बात करूं, ये जो पकवान है एकदम क्रिस्प है, थिन है, तो खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। कई जगह हमें थोड़ा मोटा पकवान मिलता है, कई जगह ज़्यादा घी वाला मिल जाता है, लेकिन इस ये एकदम परफेक्ट है। और मुंह में रखते ही एकदम घुल गया। बात करते हैं दाल की। जो दाल है ना, ये तीन तरह की दाल मिक्स करके बनाई जाती है। एक तो रहती है मूंग की दाल, एक रहती है हल्की सी चने की दाल, और एक मूंग के बिना छिलके वाली दाल। ऊपर से आलू प्याज और थोड़ी सी हरी चटनी डाल के और ऊपर से काली मिर्ची डाल के इसको सर्व किया जाता है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है।
और पराठा तो खा लिया, अब आते हैं हम लोग फ्रेंकी पर। जी हाँ, ये देखिए फ्रेंकी। चलिए फ्रेंकी ट्राई करते हैं। और आपको आपको तो पता ही है चीज़ मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, सो फ्रेंकी ट्राई करते हैं। अंदर आलू, कैप्सिकम, हल्का सा पनीर, सब्जियाँ चाइनीज स्टाइल में बना के सब्जियाँ उनकी फिलिंग की गई है, तो कौन सी चीज़ लाई। बट ट्रूली बोलूँ फ्रेंकी तो अच्छी है, बट ना ये पराठा और कोकी और दाल पकवान के आगे ना मुझे आज ये इंटरनेशनल फूड फेल लग रहा है, क्योंकि अपना खाना तो अपना खाना होता है भाई, तो इसको तो खा लेते हैं, बट लास्ट में टेस्ट के लिए मैं उसको रखूँगी, उसको बाद में खाऊंगी। बट नो डाउट फ्रेंकी भी बहुत अच्छी है, भले बाहर के खाने जैसी है बट फिर भी इसमें वो नानी के हाथ का प्यार और अपनापन और वो स्वाद आ रहा है, जनरली जो आपको बाहर की फ्रेंकी में उतना नहीं आएगा। अब आते हैं दही कोकी पर। मैं बात करूं इस कोकी की, इसमें ये एक्चुअली गेहूं के आटे की बनती है, इसमें हरा धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, लाल मिर्ची, नमक और कुछ मसाले डाल के, सब नहीं बता सकती ना, ये नैनी के हाथ का सीक्रेट है, पर जहाँ तक मैं उसको गेस कर रही हूँ, जीरा पाउडर ये सब डाल के ना इसको बनाया गया है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो जनरली हम सिंधी इस कोकी को चाय के साथ खाते हैं, तो मुझे एक चाय देंगे प्लीज़, मैं चाय के साथ कोकी खाऊंगी। पहले ये थोड़ा सा पराठा खा लेती हूँ दही के साथ, क्योंकि ना आपको बताने के चक्कर में मैंने बाकी सारा खाना रखा हुआ है, पहले शूट कर लेती हूँ, बाद में उसको ख़त्म करूँगी, इस चक्कर में इसको रखती हूँ, मैं खाऊंगी चाय के साथ। अब मैं पहले पराठा खा लेती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो खा रही हूँ, लेकिन मैंने आपको एड्रेस नहीं बताया। बताया है आपको, पता है मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस, लोकेशन, मोबाइल नंबर सब डालती हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, लोकेशन भी है, मोबाइल नंबर भी है, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और इनके टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक है, और शाम के भी है, दोपहर को बंद रहता है, क्योंकि स्पेशली स्नैक्स में है, नाश्ता वगैरह सर्व करते हैं। तो अगर आपको आना है तो 1 बजे से पहले और शाम को शायद 5 बजे के बाद, उसमें टाइमिंग है। क्योंकि मैं तो मंदिर आई थी, जैसे आपको बताया मैंने, मैं शिव जी के मंदिर आई थी, तो वहाँ से सीधा मैं नाश्ता खाने यहाँ आ गई हूँ। अभी यहाँ की ओनर से बात की, मैंने उनसे कहा कि आप एक एज अ लेडी हो के अच्छा खासा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो आप मेरे कैमरा के सामने आइए, बट वो कैमरा शाये हैं तो वो कैमरा के सामने नहीं आ रही। बट उन्होंने बताया एज अ वो अकेली चलाती हैं, उन जबकि उनकी एक बेटी MBBS है और दूसरी लॉ कर रही है, मतलब भले मतलब बच्चे अपने पैरों पे खड़े हैं, लेकिन खुद अपने पैरों पे खड़े रहना वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसी चाय और कोकी के साथ करती हूँ अपने आज के इस ब्लॉग को ख़त्म। आप यहाँ नानी दी रसोई में ज़रूर आइएगा और इस ब्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी पता चले और उनको ना एक्चुअली थोड़ा सा आते जाते हैं लोग, तो इस ब्लॉग को शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चले और वो नानी के हाथ के खाने को बिल्कुल खा के खुश हो सके। तो यही करती हूँ मैं अपने आज के इस ब्लॉग को ख़त्म। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और लाइक, कमेंट एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।
चीज़ की तरफ।